चार्ज भी है, डिस्ट्रिक्ट भी उनके नीचे आता है और नॉमिनेशन पेपर भी उनको देना था। तो मैंने उनको शिकायत की कि मोहतरम हमारे साथ ये हमें गेट पे रोका गया, क्या आया इसके अलावा जो कैंडिडेट और भी बड़े कैंडिडेट आएंगे जो नॉमिनेशन पेपर भरवाने, क्या आप उनको भी गेट पे रोकेंगे? तो उन्होंने मुझे बड़ा आसान सा जवाब दिया कि मैं अपनी चौदीवारी में के जिम्मेदार हूँ, इससे बाहर मेरा काम नहीं है, वो डीसी नवाबशाह और एसपी नवाबशाह की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने अपनी जो पहली लाचारी दिखाई, मैंने उनको कहा कि फिर मैं ये समझूं कि ये आज से धांधली शुरू है, क्योंकि अब अभी जो अंदर आपके दफ्तर के अंदर जो दूसरे लोग खड़े हैं गन्स लेकर, वो प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के लोग हैं, मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा के लोग हैं। तो क्या हमारे पास गनमैन नहीं है जिनको आप छोड़ें जो अंदर हमारे साथ आए? हमारी दुश्मनी, मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब से हमारी दुश्मनी ज्यादा है। हमारी दुश्मनी को अब आज जाकर लगभग 32 से 35 साल हो चुके हैं लड़ाई झगड़ों, और जरदारी साहब को क्या आप अंदर छोड़ेंगे? तो मुझे उसका कोई सुने जवाब नहीं दिया। तो मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि धांधली की कोई हद होती है। आपने जो आज माहौल देखा सुनहरी ओर से, आप एक अच्छा जाहिर कर रहे हैं कि प्री प्लान जो रिगिंग का इतना हो चुका है। यकीनन मैं आपको पहले भी ये मैंने कहा कि ये आज के दिन से ही हमारे नॉमिनेशन पेपर भरने से ही धांधली का इफ्तिताह हो गई। तो आगे भी अगर कल हमारे साथ धांधली होती है तो कम से कम हमारा ये चीज रिकॉर्ड पे रहे कि आगे हमारे साथ क्या होगा, या पहले जो हो चुका है उससे भी उम्मीद हम करते हैं इस बार बदतर होगा। हम मुल्क के पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, दूसरे को भी अगर हक है इलेक्शन लड़ने का तो हमारा भी हक है। और दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि अगर इस तरीके से लोगों के रास्ते रोके जाएंगे तो हमारे मुल्क की हालत इंतहाई नाजुक, जो पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान नाजुक हालत से गुजर रहा है, तो उस टाइम कोई नाजुक हालत में पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान मजबूत था, मुस्तकमल था, अपनी माली पोजीशन रखता था, एटम बम बना के बैठा था, टैंकें बना रहा था, जहाज बना रहा था, तो कौन सा ऐसा मुश्किल वक्त था। मगर मैं यकीन से आपको बता रहा हूं कि अब मुश्किल वक्त पाकिस्तान पे है, क्योंकि अब गुर्बत भी है, हमारी कंपनी हमारे इदारे बिक रहे हैं, स्टील मिल जैसे, अब स्टील मिल को भी बेच के क्या करेंगे, उसका तो सारा लोहा बेच के खा गए, उसकी इर्द गिर्द जमीनें लोगों ने कब्जे करके बेच के खा गए। तो अब मुश्किल वक्त से पाकिस्तान गुजर रहा है। खुदा रहा वो इदारे जो पाकिस्तान का तहफ़ की जिम्मेदार हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई खुदा रहा मान जाए, पाकिस्तान को चलने दें, सियासी जमायतों को चलने दें, अवाम को चलने दें। इस टाइम अवाम फाका कशी पे सही किस्म पे आई है। पहले सिर्फ सियासतदान लोगों को बताते थे कि जी गुर्बत है, कोई गुर्बत नहीं थी, और खुदा जानता है अब गुर्बत है कि 8.5 हज़ार वाली डीएपी 16 हज़ार में चल रही है, 2800 वाली डीएपी 6 हज़ार में बिक रही है। भाई अभी जमीन गंदम उतरेगी 20 हज़ार में बोरी जाएगी, जमींदार नहीं देंगे, जमींदार अपना गंदम रखेंगे। अगर इस मांगत को आप कम नहीं करेंगे तो जमींदार ने किसी का ठेका थोड़ी रह कर रखा है, वो भी अपनी गंदम छुपा देगा। कल लायमल हमारा ये है कि हम अपना आवाम को, मैं आप लोगों के प्लेटफॉर्म से आवाम को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई खुदा के लिए 7 बजे आए, हमारे साथ कॉपरेट करें और उस हर किसी के साथ करें जो पाकिस्तान और आवाम के हक में है। आप लोग जानते हैं कौन आप लोगों के हक में है और कौन नहीं है। तो लिहाजा ये है कि हम लोग, मैं इस मीडिया के थ्रू ये कहना चाहता हूं कि भाई ये चीज़ हमारे रिकॉर्ड में रखा जाए, और हमें ये खदशा है। और इसके अलावा जो है आप पूछना कुछ चाहते हैं तो प्लीज़। हल्का आसिफ अली जरदारी और उसकी बहन हमशीरा जो है और फजल पैचू का है, तो आप समझते हैं कि पूरे मुल्क की नज़र इस हल्के पर होती है कि आसिफ अली जरदारी जीत रहा है या हार रहा है, तो आप क्या लायमल तय करेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमसे धांधली की शुरुआत हो चुकी है, तो आप इलेक्शन लड़ेंगे उसी अंदाज में? देखिए
2013 से कम मेरे साथ दांधली हो रही है। हजरा पेचू साहिबा पहले 13 में मुझसे इलेक्शन लड़ी थी, उसके बाद आसिफ जरदारी साहब मेरे साथ इलेक्शन लड़े हैं, हर बार हमसे दांधली हुई है। इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह के स्कूटरी के दिन से शुरुआत हुई है और मोहतरमा अजरा पेचू साहबा ने अपने नामिनेशन पेपर भरे और वो कौन सा दूसरे रिजर्व सीट पे भी भरवाया है, तो उनको यकीन है कि इलेक्शन वो गिरेंगे, इस बार गिराएंगे इंशाल्लाह। जीत हमारी है और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब हमारा साथ अवाम देगी। अब शेरमंद खान पीटीआई का नुमाइंदा नहीं है, शेरमंद खान किसी और जमात का नहीं, अब अवाम का नुमाइंदा है और अब अवाम की जिम्मेदारी है इंशाल्लाह हमें जितवाएगी। हमें अंदर जाने नहीं दिया, मैं कैंडिडेट भी हूँ, मैं वकील हूँ हाई कोर्ट का, सिविल गुलाम में जाने दो।